वेलकम स्टूडेंट। इस सेशन में एटम के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बोहर का थर्ड पोस्टुलेट और उसकी एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से। बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। तो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? बोहर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या होगा? अ क्वांटा ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। और ये क्वांटा क्या है? फोटोन। क्वांटा को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और उस फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे ये भी हमें थर्ड पोस्टुलेट बताता है, वेव नंबर की इंफॉर्मेशन देता है। और विद द हेल्प ऑफ थर्ड पोस्टुलेट हम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड पोस्टुलेट को लिखना चाहेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्वॉल्व है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन अ क्वांटा ऑफ एनर्जी of energy is emitted. This quanta of energy, इसको समझिएगा पहले, this quanta of energy is called photon. इसे आप क्या बोलेंगे? photon बोलेंगे। The energy of photon is the difference of two energies. अब देखिए, if electron jumps from, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, if electron jumps from n2 orbit to n1 orbit, ठीक है, ये एक important theory है। N1 और N2 ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में जंप कर रहा है? N1 ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखो कि N2 इज ग्रेटर देन N1। तो हम एनर्जी ऑफ फोटोन को कैसे निकाल सकते हैं? SC by lambda equal to EN2 minus EN1. EN2 का मीनिंग क्या है? द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो इसे हम इक्वेशन वन दे देते हैं, आगे हम इसको यूज करेंगे। EN1 है ये, और EN1 का मीनिंग क्या है? एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 ऑर्बिट। तो फोटोन की एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? अगर मान लीजिए किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा? E4 minus E1, E4 minus E1। इसमें हम काफी डिटेल पर बात, डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये बोहर के थर्ड पोस्टुलेट का पहला पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या है बोहर के पोस्टुलेट का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना आप लिख लीजिए। We are continued with the second part of Bohr's postulate, है ना? तो हम सेकंड पार्ट से वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोटोन की एनर्जी को हम एच न्यू भी लिख सकते हैं। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको क्या रीड किया जाता है? न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट।
और फोटोन की एनर्जी को हम एससी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक कंसेप्ट। अब सेकंड पार्ट ऑफ बोहर के थर्ड पोस्टुलेट का एक सेकंड पार्ट भी है जो कहता है इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स फोटोन इन लोअर ऑर्बिट तब क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने लोअर किसी भी लोअर ऑर्बिट में या किसी भी ऑर्बिट में फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगली हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो यही हम लिखते हैं देन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर ऑर्बिट, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं मूव टू द हायर ऑर्बिट। अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया एक बार तो हमेशा वहां रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया किसी भी ऑर्बिट में, अगर उसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और मान लीजिए वो हायर ऑर्बिट में चला गया तो क्या होगा, क्या वो हमेशा हायर ऑर्बिट में ही रहेगा? नहीं, देयर इट रिमेन्स फॉर, देखिए इसको नोट करिएगा, 10^-8 सेकेंड एंड फाइनली वहां अगर वो हायर ऑर्बिट में चला भी गया तो क्या होगा, तो वहां वो कितने सेकंड तक रह पाएगा? तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फिनोमिना होती है उसमें कितना टाइम लगता है। यहां हमें बोहर के ऑर्बिट से इस बारे में पता चलता है, देयर रिमेन्स फॉर 10^-8 सेकेंड एंड फाइनली रिटर्न्स बैक टू द लोअर ऑर्बिट। ये है पूरा कंसेप्ट। अब हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट में एक फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और मान लीजिए वो थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया, तो वो थर्ड ऑर्बिट में कितने सेकंड तक रहेगा? 10^-8 सेकंड तक रहेगा। और फिर क्या होगा, वो फिर वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में। तो ये जो 10^-8 सेकंड है, स्टूडेंट वी विल कंटिन्यू।